दोस्तों पारंपरिक खेती की यदि हम बात करें तो इस तरीके में किसान या खेती करने वाले के नियंत्रण में जलवायु नहीं होती है। बिन मौसम बरसात हो जाती है या फिर बारिश के मौसम में कड़ी धूप निकल आती है और फिर अनुकूल परिस्थितियां न होने के कारण फसलों को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हमारे बस में नहीं है और फसल के अनुकूल मौसम या जलवायु न होने के कारण कम उत्पादन और उत्पादित फसल की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती है, जिसका असर खेती करने वाले किसान या व्यक्ति की कमाई पर पड़ता है। यही कारण है कि आज खेती करने वाले लोगों द्वारा खेती करने की नई और आधुनिक तरीके अपनाई जा रही है, ताकि उत्पादन और फसल की गुणवत्ता दोनों में सुधार करके अपनी कमाई भी बढ़ा सके। वर्तमान में ग्रीन हाउस या पॉली हाउस टेक्नोलॉजी का चलन इसलिए भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे फूल जिनका उपयोग गुलदस्ते के लिए किया जाता है, बहुत सारी सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, ये सब कवर्ड किए हुए वातावरण में ही उगती है और यह ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी फसल की मात्रा में सुधार करती है और फसल से होने वाले नुकसान के जोखिम को भी कम करती है। इसके अलावा यह उत्पादन लागत को भी कम करती है। एक फसल को अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर, सूर्य से मिलने वाले प्रकाश, तापमान इत्यादि को फसल की आवश्यकता के अनुकूल आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इन्हीं सब फायदों के चलते ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी वर्तमान समय में एक बेहद लाभकारी कमर्शियल गतिविधि बन गई है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉली हाउस या ग्रीन हाउस क्या होता है। परंपरागत तरीकों में पॉली हाउस का निर्माण लकड़ी के फ्रेम बनाकर उनमें कांच का इस्तेमाल करके किया जाता था, लेकिन जब से प्लास्टिक में टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ तब से पॉली हाउस या ग्रीन हाउस बनाने के लिए कांच की जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल होने लगा है। जब इन्हें कांच से बनाया जाता था तब इन्हें आमतौर पर ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इन्हें प्लास्टिक या पॉलीथीन का इस्तेमाल करके किया जाता है, इसलिए इसे पॉली हाउस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लकड़ी और कांच आर्थिक रूप से प्लास्टिक से महंगे और किफायती भी नहीं है, इसलिए आजकल GI पाइप और पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जियों, फूलों या अन्य फसलों के उत्पादन के लिए ग्रीन हाउस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि बारिश, विकिरण, तापमान और हवा, इन सब से फसलों को बचाया जा सके और फसल के उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा सके, या पौधे के विकास के लिए आवश्यक CO2 की मात्रा को भी बढ़ाता है जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ता है। पॉली हाउस का निर्माण और उपकरण। भारत हमेशा से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है, जहां पर हमेशा से ही पारंपरिक तरीकों से खेती हो रही है। पॉली हाउस की शुरुआत भारत में अभी अभी हुई है, लेकिन इसके जरिए ऑफ सीजन में सब्जियों एवं फसलों का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करने का प्रयास किया जा रहा है। पॉली हाउस के माध्यम से खेती करने से उचित परिणाम हासिल हो सके, इसके लिए इसकी बेहतर टेक्नोलॉजी और संरचना को अपनाया जा सकता है। जैसे इसकी ऊंचाई 6 से 6.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ताकि इसके अंदर उपयुक्त वायु परिसंचरण की सुविधा बनी रहे। इसके अलावा उपयुक्त वेंटिलेशन के लिए टॉप और साइड पर सही स्पेस देना भी आवश्यक है। बारिश के मौसम में जहां पर वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी गई हो उसे पॉलीथीन से ढका जाना चाहिए, ताकि बारिश का पानी पौधे या फसलों को नुकसान न पहुंचा सके। अब जानते हैं कि पॉली हाउस के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं। पहला, लाइटिंग और शेडिंग के लिए उपकरण। अलग अलग फसलों के लिए जलवायु, नमी, प्रकाश और हवा की भी अलग अलग आवश्यकता होती है, इसलिए पॉली हाउस में अच्छा उत्पादन लेने के लिए लाइटिंग और शेडिंग वाले उपकरणों की आवश्यकता होती है। अगला है CO2 प्रणाली के लिए उपकरण। पौधे के विकास के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बेहद जरूरी होती है, इसलिए ग्रीन हाउस में CO2 के स्तर को मेंटेन करने वाली मशीन की आवश्यक होती है। अगला है सिंचाई प्रणाली। फलों, फूलों, सब्जियों या अन्य किसी भी प्रकार की फसल के उत्पादन के लिए सिंचाई करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में नियमित रूप से सिंचाई करने के लिए कई सारी मशीनों की आवश्यकता होती है। अगला है वेंटिलेशन उपकरण। पॉली हाउस के अंदर अच्छे ढंग से वेंटिलेशन प्रदान करना बेहद जरूरी होता है, ताकि हवा अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सके। इसके लिए एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि तापमान और वायु में नमी को मेंटेन किया जा सके। अगला है हीटिंग सिस्टम के लिए उपकरण। फसलों को फंगल इन्फेक्शन से बचाने और अच्छी पैदावार लेने के लिए हीटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, और खास तौर पर ऐसे क्षेत्र जहां पर ठंडी अधिक होती है, वहां पर कुछ फसलों की उत्पादन के लिए इस तरह के सिस्टम की आवश्यकता होती है। पॉली हाउस बनाने के लिए कैसी जमीन चाहिए। पॉली हाउस बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि जमीन उपजाऊ ही हो, बल्कि एक अनुपजाऊ और भूमि का कोई ऐसा हिस्सा जो किसी उपयोग में नहीं लाया जा रहा हो
वह भी पॉलीहाउस बनाने के उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें कि वहां पर बारिश का पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए। ग्रीन हाउस के अंदर फसल या पौधों के लिए जो बेड तैयार किए जाते हैं उनमें लाल मिट्टी या फिर अच्छी गुणवत्ता वाली उपजाऊ मिट्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके आसपास ऐसी मिट्टी उपलब्ध नहीं है तो आप कहीं दूसरी जगह से ऐसी मिट्टी का प्रबंध कर लें। जिस मिट्टी का उपयोग आप फसल उगाने के लिए करोगे उसका पीएच लेवल 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए ताकि फसलें पोषक तत्वों का सही से अवशोषण कर सकें। मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उसमें चावल की भूसी, कोकोपीट और गोबर खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉली हाउस में पौधों के बेड बनाने की तैयारी करने से पहले कीट पतंगों को नष्ट करने के लिए फगमेंशन क्रिया को भी किया जाना आवश्यक है। एक अच्छे पॉली हाउस की क्या विशेषताएं होती है? एक पॉली हाउस का निर्माण करने के लिए कम से कम 500 वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए। तापमान और नमी मेंटेन करके अच्छे परिणाम लाने के लिए पॉली हाउस की चौड़ाई 40 मीटर से अधिक होनी चाहिए। मल्टी स्पेन वातावरण में गटन से लेकर गटर की कम से कम ऊंचाई 4 मीटर होनी ही चाहिए। गटर बिना जोड़ का होना चाहिए और उचित जल निकासी और लीकेज से सुरक्षा के लिए 2% की ढलान को आवश्यक माना जाता है। और इन सब के अलावा सबसे जरूरी बात, आप बिना किसी जानकारी के इस खेती की प्रक्रिया की शुरुआत न करें। आप कृषि अनुसंधान केंद्र या फिर अपने आसपास के किसी ऐसी जगह जहां पर पॉली हाउस में खेती करने की संपूर्ण जानकारी मिले वहां से आप ट्रेनिंग जरूर लें ताकि आपको सारी बारीकियों का अच्छे से पता लग सके और आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।